हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करवाते हो। बिजनेस मॉडल का नाम है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड पे लोन के अलावा कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फंडामेंटल देखेंगे, क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में दोस्तों टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 45% के लगभग करेक्शन में और एक दोस्तों मेजर सपोर्ट बन रहा है। अगर इस सपोर्ट को अगर तोड़ देते हैं तो फिर इसमें और ज्यादा करेक्शन आ सकती है। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, जिस तरह से सबसे पहले तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, चार तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के RSI में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं उसके डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। वैभव ग्लोबल, प्रिंस पाइप, कैंपस एक्टिवेयर के बारे में डिस्कस किया। अगर दोस्तों इनमें पहले से इन्वेस्ट हो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए जिससे कि आपको पता चलेगा कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पर बन सकती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की स्थापना दोस्तों 1939 में की गई थी। बहुत ही पुराना बिजनेस मॉडल है। इन्होंने पहले भी ये बॉम्बे में इन्होंने बिजनेस दोस्तों केरला में इसका बिजनेस मॉडल का स्टार्ट किया था। ये गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन सी सर्विस की बात करें तो देखिए ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे फेमस है ये गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा गोल्ड पे लोन से ही आता है। और इनके अलावा कौन कौन सी सर्विस है उन पे आप ये देख सकते हो। एक तो इंश्योरेंस करते हैं, मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर की बात करें तो मनी ट्रांसफर जैसे अदर फॉरेन करेंसी होती है उनको आप अगर कोई दूसरी करेंसी में चेंज करवाना चाहते हो, जो फॉरेन की डॉलर को आप इंडिया की करेंसी में रुपए में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो इसमें ये करते हैं। पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड की बात करें तो एक नॉर्मल पैन कार्ड होता है और इनके अलावा दूसरे पैन कार्ड भी होते हैं। तो पैन कार्ड देख सकते हो आप किस किस तरह के पैन कार्ड होते हैं। ये देखिए फॉरेन अगर कोई पैन कार्ड बनाना, सोसाइटी के लिए, ट्रस्ट के लिए, पार्टनरशिप और फर्म कोई कंपनी के लिए पार्टनरशिप में अगर दो बंदों की कोई पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो उस तरह का पैन कार्ड। हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के लिए और बाद में इंडिविजुअल और NRI जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन होते हैं उनके लिए भी पैन कार्ड का ये आप बना सकते हो इनकी साइट पर जाके और फिर बाद में देख सकते हो। यार बाद में व्हीकल लोन भी प्रोवाइड करते हैं। मिलीग्राम रिवार्ड होता है, जिस तरह से अपन क्रेडिट कार्ड होता है इसमें भी रिवार्ड आपको पॉइंट दिए जाते हैं। हाउसिंग फाइनेंस का ये लोन प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड कॉइन भी प्रोवाइड करवाते हैं। NCD होता है दोस्तों, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जिस तरह से PPF होता है, पब्लिक प्रोवाइड फंड होता है, उसी तरह से ही NCD होता है। 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और इसमें आप को टैक्स में छूट भी मिलती है। माइक्रो फाइनेंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ये फाइनेंस करवाते हैं। कॉर्पोरेट लोन की बात करें तो जिस तरह से कोई अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ाना चाहते हो या फिर बिजनेस मॉडल्स के कोई नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इन पे भी ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। होम लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। पर्सनल लोन, कस्टमर ऑफर, म्यूचुअल फंड में भी इसमें साइट पर जाके आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। डिजिटल कैशलेस, SME लोन भी होता है, तो इस तरह की ये सभी प्रोवाइड करवाते हैं। SME लोन होता है जो तुरंत आपको लोन मिल जाता है। अगर तुरंत लोन देखें, इंस्टेंट SME लोन फॉर द बिजनेस नीडेड, अगर आप इमरजेंसी में लोन लेना चाहते हो तो SME लोन भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों देखा कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और इनका जो जिस तरह से बैंक की बात करें और दूसरे सेक्टर की बात करें तो लोन इनका गोल्ड पे आप गोल्ड रख के और फिर बाद में आपको ये लोन दे देते हैं, तो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल देखते हैं इसकी। मार्केट कैप 38,437 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 957 है। हाई गया इसका 1448, लो गया इसका 947। स्टॉक पी है 10। ROC इसका 14% है। ROE इसका 23% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। अगर आगे स्प्लिट होती है तो इसमें क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करें फाइनेंस में, इसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, SBI कार्ड आदि इसके सेक्टर के लीडिंग कंपनी है। अब देखते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट। अगर जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन आया है कि क्वार्टरली रिजल्ट भी इनका जो रेवेन्यू है उसमें भी डिक्लाइन आया है। तीन क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर। रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट EPS के बारे में डिस्कस करेंगे। जून का इसका सेल हुई है, रेवेन्यू आया 2404 और इसका सितंबर गया 2498 है और दिसंबर गया 2660 है।
एक्सपेंडिचर की बात करें तो 473 है, सितंबर की 426 है और दिसंबर की 531 है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 802 है, 867 है और 903 है। तो आप देख सकते हो कि तीन के जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है वो होता है 19, 21 और 22, तो इनके ईपीएस और इनके नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक है। अब बात करते हैं वाई टू वाई वेस्ट में रिजल्ट देख लेते हैं, तो अपन डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखेंगे 20, 21, 22। अब देखिए नेट 30, 18 और 37, 22 और 39, 54 है, तो इसमें देख सकते हो कि आप इसमें कोई डिक्लाइन नहीं है। अब दोस्तों बात यह है कि 10 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इसमें उनमें देखिए कितना है, 17% का रिटर्न मिल रहा है, और 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 20% का रिटर्न मिल रहा है, 3 साल पहले किया था उनको 4% का, और जो 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको माइनस में 31% का रिटर्न मिल रहा है। माइनस में मतलब नेगेटिव है रिजल्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल अब 401 है, 401 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास में 18,829 करोड़ है। बोरिंग इसका कर्जा मतलब कि जो लोन देते हुए इस हिसाब से लेके 46,770 है। और इसका अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 19 करोड़ का इसका अदर लाइबिलिटीज है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 73%, एफआईज के पास में 10%, डीआईज के पास में 12%, पब्लिक के पास में 4%। तो आप देख सकते हो कि एफआईज और डीआईज के पास में इसकी ठीक ठाक होल्डिंग है। प्रमोटर एकदम कॉन्स्टेंट है, 73 पहले भी 20 में था, अभी भी 73 है। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए आपको बेसिक चीज होती है, सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। ट्रेंड दोस्तों तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। तो साइडवेज में आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पहचान सकते हो। अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है, अप ट्रेंड की पहचान होती है कि उसमें हायर टॉप इस तरह से बनते हैं। जैसे अप ट्रेंड अगर माने तो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपको इस तरह की लाइनें दिखाई देगी, ठीक है, इस कोने से लेके उस ऊपर की तरफ जाती है तो अप ट्रेंड होता है। कैसे मानोगे कि उसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं, किस तरह से पहचानोगे, ये देखिए एक मान लीजिए टॉप मान लिया, ये टॉप मान लिया, ठीक है, और टॉप मानने के बाद में इसमें ये ऊपर का आया उसको हायर टॉप, मतलब पहले वाला टॉप है उसके ऊपर वाला ये हायर टॉप है। आगे अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो देखिए अगर ये टॉप मान लिया और इसके बाद में नेक्स्ट है ये इसका हायर टॉप हो गया, और अगर इसको बाद में ये लोअर टॉप माना, ठीक है, और ये आगे वाला मानोगे तो इसको आप मान सकते हो, इसका आप मान लोगे लोअर, ये लोअर टॉप हो गया, एक सेकंड, हाँ ये हायर टॉप हायर बॉटम हो गए, ठीक है, और बाद में ऊपर की तरफ जाएंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। ये देखिए मतलब पहले वाले को एक को टॉप मान लिया, फिर बाद में ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हायर टॉप मान लेंगे, नीचे वाले को बॉटम मान लिया फिर बाद में हायर बॉटम है। तो ये देखो इस यहाँ पर आने के बाद में एक रेंज बाउंड हो रही है। अब इस ऊपर यहाँ से इसने क्या किया है, यहाँ पर टॉप लगाया था, कब लगाया था, नवंबर 21 में। टॉप लगाने के बाद में दोस्तों डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की क्या पहचान होती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, यानी ये टॉप माना इसका उस नीचे वाला है लोअर टॉप टॉप होगा और बाद में लोअर बॉटम, अगर ये बॉटम है तो इसका नीचे वाला ये लोअर बॉटम होगा, नीचे की तरफ आ रहे हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। ऊपर की तरफ आने के बाद में इसमें एक रिट्रेस मतलब बाउंस बैक आया, तो बाउंस बैक कहाँ तक आया, पहले वाला जो टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर वापस आया, यहाँ पर देखो सपोर्ट मिला है इसको, ये यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला है, एक सेकंड, ये यहाँ पर सपोर्ट मिला है वापस गया है, इसको पहले वाले जो टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर ट्रेंड को चेंज करना होगा जो ऊपर अगर अब ट्रेंड में जाना होगा तो ये पहले समझ लीजिए टॉप है उसको ब्रेकआउट करेगा तभी इसमें अब ट्रेंड आएगा, तब तक नहीं आएगा। ट्रेंड को पहचान के अपन ये कर सकते हैं दोस्तों कि अभी तक इसमें कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है ट्रेंड को पहचान के कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज प्राइस ज्यादा हो सकती है, 1200 को ऊपर ब्रेकआउट करेगा सस्टेन करेगा फिर बाद में इसमें ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले दोस्तों नहीं होगा। अगर ये छोटा सा ये भी मान सकते हो 1150 के लगभग, 1150 के बाद में ये दोनों ही पास पास में ही है, तो 1150 और 1200 तो इनको दोनों को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अभी देख के कोई ऐसा ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। अब दोस्तों बात करते हैं कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक होती है। तो दोस्तों हमने सीरीज चला रखी है सभी कैंडलस्टिक के बारे में, और जो ट्रेंड रिवर्स वाले 7 कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडलस्टिक है उसके बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो दोस्तों।
अब देखिए ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडलस्टिक, ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडलस्टिक मतलब जो ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन रहा। अब देखो एक ये कोविड के टाइम में क्या यहाँ पर आया है, इसी ये नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए कौन सी कैंडल बनी है। ये देखिए दोस्तों कैंडल कौन सी बनी है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। कैसे बोलेंगे, एक तो यहाँ पर ये रेड ग्रीन कैंडल है मान लीजिए, वो एक डोजी टाइम में कैंडल बनी है। अगर ये आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो टाइम फ्रेम थोड़ा सी बड़ा कर लोगे तो एकदम क्लियर आपको दिखाई दे दे। ये देखो इसमें देख सकते हो आप, ये कोविड के टाइम में था, ठीक कोविड के टाइम। इसको क्या बोलते हैं, इसको पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं। अगर एक टाइम फ्रेम में आपको कैंडल स्टिक क्लियर नहीं दिखाई दे रही तो दूसरे टाइम फ्रेम में जाके देख लीजिए। ये देखिए इसमें क्या बोलो, पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न का क्या होता है, कोविड के टाइम की है, इससे पहले एक करेक्शन होती है और बॉटम में होती है, और इससे पहले इसको पियर्सिंग मतलब पहले वाली रेड कैंडल को 70-80% कवर कर लेती है और फिर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दिया। तो अब ऊपर की तरफ देखो टॉप ये आ गया ऊपर, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इस कैंडल को बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल, जो टॉप में बनती है। ये एक रेंज बाउंड एरिया था कंसोलिडेट, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ऊपर की तरफ जाने के बाद हम देखो एक यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल और बनाई है, ये शूटिंग स्टार कैंडल। अब यहाँ पर भी इसने कैंडल बनाई लेकिन कन्फर्म कैंडल नहीं बनाई, तो एक बार हम टाइम फ्रेम बड़ा करके देख लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम दोस्तों पता चल रहा है यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, ठीक है। ये शूटिंग स्टार कैंडल जो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक होती है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर एक टाइम फ्रेम में आपको पता नहीं चला, फिर डाउन ट्रेंड हुआ स्टार्ट, यहाँ पर डोजी के टाइम में कैंडल बनी है, और यहाँ पर देखिए कि तो अभी ऐसे ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक अपने को कोई दिखाई नहीं दे। जो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ था ना दोस्तों, यहाँ पर कौन सी कैंडल बनाई थी, जो डोजी कैंडल बनाई छोटी छोटी ये, और इसको अपन बुलिश इनगल्पिंग कैंडल भी है, रेड कैंडल है और इसको पूरा का पूरा इनगल्प किया है। यहाँ पर भी ये छोटी कैंडल है और एकदम क्लियर कोई पैटर्न तो नहीं बनाया दोस्तों। अगर मैं दूसरे टाइम फ्रेम में देखूं, एक सेकंड, हाँ तो देखिए दूसरे टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ पर हैमर बन गया है। यहाँ पर देखो एक तो हैमर बना है और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों एबेंडम बेबी। एबेंडम बेबी मतलब कि इसको माँ मानेंगे, इसका बच्चा मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसको अगर पहले वाली को बीचों बीच आ जाती है, नीचे थोड़ा सी आ जाती है, तो उसको हम एबेंडम बेबी बोलते हैं और ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक होती है। तो अगर यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक अपने को दिखाई देगी, यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक दिखाई देगी, जिस तरह से छोटी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बने, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इवन, और बाद में हैम्बर है, बुलिश सैंडविच, इस तरह की कैंडल स्टिक बनेंगे, तब इसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं दोस्तों, एक चीज देखिए, ये ऊपर की तरफ गया फिर बाद में रिट्रेसमेंट किया कोविड के टाइम, कोविड के टाइम आके कहाँ पर रुका है, ऐसे नहीं रुका भाई कि हर कहीं रुक जाता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट लिया है ना, ये तो सपोर्ट कहाँ पर लिया, लेफ्ट में देखो इसका रेजिस्टेंस था दोस्तों, ये लाइन ड्रॉ करिए मैंने तो इसलिए कि एक बार इसमें देखिए आप, यहाँ सपोर्ट लिया तो ये देखिए लेफ्ट में इसका सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर गया। अब आगे ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ देखिए, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ गया ये रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और फिर बाद में ऊपर की तरफ जाके फिर सपोर्ट मिला है। सपोर्ट कौन सा मिला, यहाँ पर देखिए यहाँ ये रेजिस्टेंस था पहले, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर लिया। फिर यहाँ पर रुका, तो यहाँ पर क्यों रुका है दोस्तों, यहाँ पर रुकेगा तो वो देखिए पहले यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर आके रुका था, ये देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट था इसलिए रुका। और प्रेजेंट टाइम की बात है तो कहाँ पर रुका, ये देखिए प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें दोस्तों एक सेकेंड इस लाइन को बंद कर, हाँ ये देखिए यहाँ पर रुका हुआ है, तो एक इसमें मेजर सपोर्ट ओरिजेंटल लाइन, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिला हुआ है। ये तीन बार इसको टेस्ट कर लिया दोस्तों, ठीक है, एक बार दो बार तीन बार टेस्ट किया और सपोर्ट किस लिए मिल रहा है, लेफ्ट में देखिए आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था पहले, तो इस रेजिस्टेंस को तीन बार टेस्ट कर लिया है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। और अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, डिसाइसिव ब्रेक डाउन कर दिया, अच्छी एक अगर रेड कैंडल बना दी, जिस तरह की रेड कैंडल ये यहाँ पर बनी है ना, अगर यहाँ की अगर रेड कैंडल इस तरह की रेड कैंडल बनी है तो दोस्तों फिर बाद में इस कंपनी में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है, वो हम देखेंगे कि कहाँ तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये बनती है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो आप मेरे हिसाब से दो चीजों अपन देखेंगे, एक बार मैं आपको RSI में डाइवर्जन दिखा देता हूँ किस तरह से काम करते, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है RSI, ठीक है। ये देखिए प्राइस में मूवमेंट हुआ था दोस्तों, प्राइस में मूवमेंट था वो ऊपर की तरफ था, ये देखिए, और RSI में देखोगे तो यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई देने लग गए थे इसमें, ये देखिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन, और इसको नेगेटिव डाइवर्जन, और नीचे की तरफ जा रहा है ये प्राइस, देखिए जिस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, और RSI में ऊपर की तरफ दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। अब देखो यहाँ पर अभी तक देखें तो कोई भी ऐसा डाइवर्जन आपको नहीं दिखाई दे रहा है मंथली में तो, सॉरी वीकली में तो।
अब बात कर ले छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे दोस्तों, अगर डेली में देखेंगे तो ये प्राइस का मूवमेंट देखिए नीचे की तरफ ही आ रहा है। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये रेंज बाउंड एरिया में ही कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखो तो इसमें दोस्तों पॉसिबिलिटी बन रही है कि डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल आपको बननी चाहिए। कौन सी बनेगी? जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैमर बन सकता है, डोजी टाइप में कैंडल स्टिक बन सकती है, बुलिश सैंडविच बन सकता है। इस तरह की कैंडल स्टिक बनने के बाद में हम यहाँ पर एकुमुलेट कर सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं इसमें अगर यहाँ कैंडल कोई होगी तो मैं यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। दोस्तों बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में अगर दूसरा अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो ये सेफ एक बिजनेस मॉडल है, जिसमें कि गोल्ड लोन, आपके गोल्ड जमा करते हैं और फिर ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और पुरानी कंपनी है अगर सबसे एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, जो एक ऐसी बिजनेस मॉडल है जो गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करवाते हो, एक मनप्पुरम फाइनेंस है। लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस की से बेस्ट कंपनी मेरे को ये मुथूट फाइनेंस लगती है। आप किस तरह से देख, चार्ट भी अच्छा अच्छा है इसका। तो अगर यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको यहाँ पर एकोमोलेट करना चाहते हैं, तो एक बुलिश कैंडल बनेगी दोस्तों, ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक बनेगी, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके लिए दोस्तों हमने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया, जिससे कि कोई बाद में बनती है अगर कोई इसमें चार्ट में चेंजिंग होता है तो उसमें हम अपडेट कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री में जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से कोई कैंडल स्टिक बनेगी तब इसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पहले नहीं देखेंगे। अब दोस्तों एक चीज और, आपको चीजें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए किस तरह से काम करती। एक दोस्तों मैं आपको और एक चीज और बताता हूं इसमें, देखें एक ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है, पहले रेजिस्टेंस ले रहा था अब ये सपोर्ट ले रहा था। अब देखो आपको अगर कोई अभी रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो नीचे की तरफ जाए तब उसको देख सकता है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ट्रेंड लाइन को इसको देखिए, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो तीन चार पांच छह बार इस ट्रेड लाइन को दोस्तों इसने रेजिस्टेंस लिया। ये ट्रेड लाइन थोड़ी बहुत हो सकती है एडजस्ट करने में, लेकिन इसको सेम टू सेम इसने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट किया तो देखो एक बुलिश कैंडल बनाइए, फिर इसको रिटेस्ट किया, देख सकते हो आप इसमें रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में एक बार नीचे की तरफ और आइए, और अभी जब तक ये ट्रेड लाइन के ऊपर है तब तक इसमें कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इस ट्रेड लाइन को और इस जहाँ पर ये अपने ये देखिए आपको, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये जैसे यहाँ पर तीन चीजें साथ में हो गई, एक तो ये लाइन हो गई, ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, एक जो ये अपन सपोर्ट है पहले का रेजिस्टेंस था उसका, ये रेजिस्टेंस था उसका काम करेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो बहुत ही अच्छी काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कब तक आएगा, कितना परसेंट तक करेक्शन कर सकता है, उसमें आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। पहले देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया था 23% का सपोर्ट लिया था, नीचे की तरफ आया, फिर बाद में यहाँ पर 38% का सपोर्ट इसने, सॉरी 50% का सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आया और अभी ले रहा है। कौन सा रिट्रेसमेंट है, लेफ्ट में देखोगे तो 61% का रिट्रेसमेंट है। अगर 61% का रिट्रेसमेंट होगा फिर एक ट्रेंड लाइन होगी और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। तीन चीजें होगी, RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। चौथी चीज होगी यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक, ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक अगर बनेगी तब इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे दोस्तों, पहले इसमें नहीं देखेंगे। और इसमें आपको ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस कौन सा दिखाई देगा, सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका। दोस्तों जैसे चार रेजिस्टेंस, चार तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, बाद में ट्रेंड लाइन होती है, बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, मूविंग एवरेज होता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि एक चीज किसी का भी, मतलब कि हर चीज कभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस ले लेता है, कभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ले लेता है, कभी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस तरह से आपको चारों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो इस स्टॉक में अपन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी इस तरह से देखेंगे, तीनों चीज, एक तो ट्रेंड लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तीनों जगह एक जगह आ रही है और फिर बाद में इसमें ट्रेंड रिवर्स वाले RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक बनेगी, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कोई डोजी टाइप में, हैमर टाइप में और बुलिश सैंडविच इस तरह की कैंडल स्टिक बनेगी, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एक टाइम फ्रेम में नहीं मिले तो दूसरे टाइम फ्रेम में आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों इस स्टॉक में इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक में बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपको ये सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो जो एक बॉटम में मिल रही हो, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस और किस तरह से चार्ट को अप्रोच की जाती है, बिजनेस मॉडल के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते रहते हैं। तो वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।